कोतवाली क्षेत्र के ग्राम थावला और मोहम्मद इब्राहिमपुर में पंचायत चुनावों से पहले शुरू हुई फायरिंग और पथराव की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो दिन पूर्व ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर के ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी कि गांव में जुलूस निकालकर फायरिंग की जा रही है। हल्का दरोगा प्रवीण कुमार ने गांव में पहुंचकर जुलूस न निकालने की चेतावनी दी। इससे गांव में तनातनी और भी बढ़ गई। रिजल्ट ये आया कि एक पक्ष ने करीब एक दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम थामला और मोहम्मद इब्राहिमपुर में प्रधानी चुनाव से शुरू हुई फरंजिश बढ़ती ही जा रही है। बिलारी मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम आतिफ कमाल एडवोकेट है, इब्राहिमपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, मामला जैसा संज्ञान में आया है, अभी ये जो मामला है पूरा राजनीति से प्रेरित है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में पिछले 28 सालों से मोहम्मद उस्मान साहब ग्राम के प्रधान थे। तो इस बार चूँकि मैं पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका हूँ, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मदद से हमने जो हमारे जिला पंचायत सदस्य थे मान लवली यादव जी, इनकी मदद से और भाजपा के उच्च नेताओं की मदद से हमने साजिद सेठ जी को वहाँ से प्रधानी का कैंडिडेट बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपके गांव में निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और हुआ भी ऐसे ही। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुरादाबाद जिला प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मोहम्मद इब्राहिमपुर में चुनाव कराया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब लोगों को आज़ादी मिली तो उन्होंने इतनी बम्पर वोटिंग साजिद सेठ के समर्थन में की कि हमारे मामू साजिद सेठ वहाँ से 540 वोटों से ग्राम प्रधान बने, और पूरे बिलारी ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता था कि जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी गीता देवी जी, जो हमारे भाई लवली यादव जी की माता जी हैं, उनका चुनाव भी हमने जोर शोर से लड़ाया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गाँव इब्राहिमपुर से 700 वोट उन्हें मिले और पड़ोसी गाँव थामला से करीब 900 वोट मिले, जो कि दोनों मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, वहाँ हिंदू आबादी जो है नाम मात्र की है। तो इस बात से हमारी जो बिलारी के विधायक हैं फहीम इरफान साहब, वो काफ़ी विचलित हुए, और हाजी उस्मान साहब उनके चचा जो हैं वो भी काफ़ी विचलित हुए। तो मुझे तो ये मामला जो लगता है पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई जुलूस निकाला गया था। एक हाजी अकरम साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी खबर लेने के लिए लवली यादव जी वहाँ गए थे, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रधान जी वहाँ गए थे। और हमारे गांव में एक परंपरा है कि जब रमज़ान के बाद इमाम की विदाई होती है तो उनकी विदाई करने के लिए 2-4 लोग उनके पीछे जाते हैं, जो इस धार्मिक नारे होते हैं वो लगाते हुए। तो उन नारों को इन्होंने एडिटिंग करके उसमें ये जो है नारेबाजी का रूप दिया, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का रूप दिया, और अवैध रूप से फायरिंग का रूप दिया, जो कि बिल्कुल सरासर निराधार है। ये जो मामला प्रकाश में आया है ये राजनीति से प्रेरित है, और इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की गई है। प्रशासन पर, अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये झूठा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर और लवली भाई के समर्थकों के ऊपर दर्ज कराया गया है, ताकि वहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दूसरा संगठन खड़ा ना हो सके, और 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित मामला पंजीकृत कराया गया है बिलारी थाने में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपने पिछले 3-4 महीने में देखा होगा, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लवली भाई हमारे भाई हैं, इनके नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर और योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद हमारे जो भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं सुरेश सैनी जी, उन्होंने मेरी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगाया था। उसके बाद से पूरी समाजवादी पार्टी में इस बात की बौखलाहट है, माननीय विधायक जी की इस बात की बौखलाहट है, और उन्होंने इस मामले को पूरा राजनीतिक मोड़ देने के लिए, हाजी मोहम्मद उस्मान साहब ने इसे राजनीतिक मोड़ देने के लिए अपने बेटे से एक फर्जी वीडियो एडिट कराकर मुरादाबाद पुलिस के पोर्टल पर डलवाई और उसमें एडिटिंग कराई, और जो एक बहुत ही नेक काम था, किसी तीमारदार की, किसी बीमार की खबर लेने कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो एक सराहनीय कार्य होना चाहिए, उसे उन्होंने एक राजनीति के तहत एक फर्जी मामला दिखाकर, जो पुलिस प्रशासन है उसे मिसगाइड करके एक फर्जी मामला बिलारी थाने की पुलिस के द्वारा हम गाँव के लोगों के ऊपर पंजीकृत कराया, जो सरासर निराधार है। हमारे संज्ञान में ये मामला भी आया है, विश्वास यादव जी ने इसमें संज्ञान लिया है, हमारे जिला महामंत्री बैठे हैं हारून जफर साहब, इन्होंने संज्ञान लिया है, और पार्टी के उच्च नेताओं को भी इस घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, इन लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है मुसलमानों, जो वोटर हैं उनके दिमाग में इन्होंने हुआ बैठा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों की दुश्मन है,
और मुसलमानों को एक वोट बैंक की राजनीति समझा जाता है पिछले 25 से 30 सालों में, और सभी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाते रही हैं और सत्ता में आती रही हैं। इस बार बिलारी विधानसभा के अंदर जो मुस्लिम मतदाता है उसके अंदर बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुस्लिम मतदाताओं का, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और बड़ी भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता जो है मुस्लिम जो नेता हैं वो भारतीय संगठन से जुड़ रहे हैं, और इसका नतीजा आपको 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बाहुल्य गांवों से इतना वोट मिलेगा कि लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों को उसकी आस्था जुड़ चुकी है, और मुसलमान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। इब्राहिमपुर और थामलाकर और अन्य गाँव का महलोली में आप देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। इब्राहिमपुर में आ जाइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। थामला में देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का प्रोग्राम है। इसी बात की बौखलाहट इनके अंदर है, और अपनी उस बौखलाहट को उजागर करते हुए इन्होंने राजनीति से प्रेरित जो मुकदमा है, जो झूठा फर्जी मुकदमा है, वो बिलाई थाने में पंजीकृत कराया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और थामले में पीछे फर्जी जो है पंजीकृत कराया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो एक तरीके से चिन्हित करके इन्होंने ये फर्जीवाड़ा करके मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और पार्टी के उच्च नेताओं से हम मांग करेंगे और आला अधिकारियों से भी हम मांग करेंगे, शासन प्रशासन के और पुलिस के, कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उन्हें पूर्ण रूप से बचाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद, ग्राम मोहम्मद रहीमपुर जी। जी मामला कुछ नहीं था, उनकी अकरम की तबीयत ख़राब थी, वो मेंबर वार्ड हैं, उनके लिए पब्लिक देखने आ जा रही थी, थोड़ी भीड़ हो रही थी उसके लिए, बाकी जाली है सारा मुकदमा। ये नौबत इसलिए आई, वो सपा के विधायक हैं, विधायक के चचा मोहम्मद उस्मान, उनका और मेरा आमना सामना था, दोनों कैंडिडेट है, मैं भारी मत से जीता हूँ 539 वोटों से। उन्हें ये जीत हजम नहीं हो रही, वो जाली मुकदमा करा रहे हैं, इसकी जांच करें या व्यक्ति टोटल आदमी गांव में जो भी है सबसे जांच कराई जाए इसकी। जी अधिकारियों को यही बताया, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात ही ना हुई, अभी तो अधिकारियों कोई ऐसी बात ही नहीं हुई संज्ञान में डालने की। तो क्या लग रहा है कि कोई राजनीतिक मामला है? हाँ राजनीतिक मामला, हम बीजेपी में जुड़े हुए हैं, वो सपा वाले हैं, उन्हें ये बात हजम ना हो रही है मेरे बीजेपी में जोड़ने की। अच्छा, जो आपके उस्मान जी थे आपके गांव के, जी तो कोई पर्चा वर्चा कैंसिल तो मामले सामने आ रहे हैं? हाँ, वो 2015 में कैंसिल कराया था पर्चा, शौकत अली का छीना था, कैंसिल कराया, जबरदस्ती छीना था, वो कमजोर आदमी है। इस वर्ष की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत का है, उसको पर्चा कैंसिल हुआ था, कल बात हुई। हाँ, दोनों का हुआ था, उनकी उनके बीबी का, उनकी लड़की का, ये कारण तो हुआ था। उनको अपनी जाति झोझे बताते हैं, वो झोझे जाति नहीं, फर्जी है सारा काम। नाम दर्ज हुए हैं, नाम तो 16 लोगों के हैं, मैं अब उसमें क्या गिनाऊँ। वो हमेशा से फर्जी काम करते आए हैं, 1996 में एक बार इनका बीसी में ये सीट आई थी, जिसमें अयूब इदरीसी उनकी पत्नी उसमें चुनाव मैदान में थी, और उसका जबरन पर्चा वापस कराकर ये निर्विरोध बीसी से प्रधान बने, इनकी वाइफ उसमें प्रधान बनी, और झोझे से ये लगातार 3 बार उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। ये इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में क्या लग रहा है कि प्रधानी हारे, क्या हुआ? ये प्रधानी वो अपने वर्चस्व को हारे हैं, अपने अहमालों से हारे हैं। यहाँ गांव की जनता ने इस बार उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते वर्चस्व ने उन्हें धूल चटाई है, 539 वोटों से उन्हें हराया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका ही सगा साले को खड़ा किया था, और वही साला जनरल सीट का है और जनरल से लड़ा है,
जबकि उनकी बहन लगातार 3 बार BC से उसका फ़ायदा उठा चुकी है। वो मामला DM मुरादाबाद ने कैंसिल कर दिया। उस्मान के खिलाफ FIR लिखाई गई, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इनके कई मामले इनके खिलाफ़ दर्ज हुए हैं, जिस पे प्रशासन घुन्नी साध लेता है, ना कोई कार्रवाई करता है। आज सुबह भी इन्होंने मुझे धमकाया, मेरे घर पहुंच के विधायक, और मुझे धमकाया घर, मेरे घर जाके अंदर, कि तुम जो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हो या तो वापस ले लो वरना जान से मार देंगे। इस मामले को लेकर मैं आज थाने गया और मेरी किसी ने नहीं सुनी। इसे मैं अब आगे हैं, हाँ मैं थाने गया, मैं प्रार्थना पत्र लेकर गया, लिया ही नहीं किसी ने। आज मैं उस प्रार्थना पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डालने को था, लेकिन आज छुट्टी है, कल इस पर सारी कार्रवाई करूँगा और सारी पार्टी को इससे अवगत भी कराऊँगा। ये उनका एक, जैसे मुगल खानदान का एक वर्चस्व था, वैसा ही उनका एक वर्चस्व है। और जब वर्चस्व टूटता है तो आदमी को उसका दुख होता है, और उसके बदले वो हमें और औरों को धमकाकर उस वर्चस्व को वापस लाना चाहती। मैंने अभी अधिकारियों को सूचना नहीं दी है, मैं उसमें बैठा था, इसलिए आप लोग आ गए। अब मैं जो हूँ इसकी पूरी तैयारी में हूँ, बाकी लोगों को उसके पोर्टल पे उन्हें डालूँगा। फ़हीम नाम है उनका, फ़हीम इरफान नाम है। इससे पहले उनके बाप प्रधान थे, वो विधायक थे, ये सापा विधायक हैं। और यहाँ सत्ता तो भाजपा की है, लेकिन बिलारी प्रशासन पर जो है वो सापा का रंग जमा हुआ। मैं अभी थाने गया था, उच्च अधिकारियों को अब अवगत कराऊंगा। मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने कुछ साक्ष्य दिखाए हैं? जो आज मामला दर्ज हुआ था, कल हाँ, उन पे कोई साक्ष्य नहीं है। ये लोग जो अकरम, एक हमारे यहाँ का ग्राम सभा पंचायत का सदस्य, उसकी तबीयत खराब थी, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उसके बाद मौलवी लोग अपने गाँव जा रहे थे, विदाई दी जाती है, उसमें भीड़ हो चुकी थी, उसी को इन्होंने फोटो खींच के लोगों के खिलाफ डाल दिया है। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें कल रात मुकदमा पंजीकृत करा गया है, 16 लोग इसमें ज्ञात हैं, एक अज्ञात है, 17 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत करा गया है। इसमें 188, 307, 269 के जो धाराएं हैं, संगीन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस पर मैंने संज्ञान लिया, जाना ये ईद के दिन की घटना है। उस वक्त, उस समय, जिस समय की घटना दिखाई जा रही है कि उस इब्राहिमपुर गांव में, मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे जानकारी हुई कि एक हमारे अकरम भाई हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और उन्हें उपचार के लिए CHC बिलारी के लिए किसी तरीके से उन्हें एडमिट कराया जाए जिससे उनकी जान बच सके। मैं इब्राहिमपुर गया, इब्राहिमपुर जाने के बाद मैं उनके घर पर गया, घर पर जाके देखा कि तबीयत में कुछ सुधार था। मैंने उनसे कहा कि इसमें अभी थोड़ा समय है और जो भी आपको परेशानी होगी उसका हम लोग वो करेंगे, आपका साथ देंगे और जहाँ भी आपको एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कराया जाएगा। वहाँ गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था, ईद का माहौल था, सब लोग अपने घर पे आराम से ईद मना रहे थे, ईद की खुशियाँ मना रहे थे। उस बीच में मैं वहाँ से निकला और जो जिस तरीके का मुझे गांव में माहौल देखने को मिला सन 1992 से लेके अब तक 2021 तक, जो वहाँ इस समय मौजूदा विधायक मोहम्मद फ़हीम है, उसके चाचा वहाँ के प्रधान रहे लगातार, उन्होंने उस गांव के लोगों पर जुल्म, जाति की, उस जाति का बदला पीछे वाले चुनाव में जो 2015 के उसमें प्रधानी का चुनाव था, उसमें एक BC समाज का शौकत अली के नाम से पर्चा भरा गया। उस पर्चे को लेकर उन्होंने विवाद उत्पन्न करा, उसका पर्चा फाड़ा, पर्चा छीना। जब पर्चा उसका नहीं छीन पाया, उसके बाद उन्होंने उसे दबाव देकर बूथ कैप्चिंग करके दोबारा पुनः प्रधान 2015 में बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सभी पदाधिकारी और नेतागण, विधायकगण, सब लोगों ने निष्पक्षता से चुनाव कराया, जिसमें मोहम्मद साजिद सेठ
हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए और फहीम जो इस समय मौजूदा विधायक हैं उनके सामने उनके चचा मोहम्मद उस्मान खड़े हुए थे साजिश सीट के सामने। तो उन्होंने पूरी जनता ने इब्राहिमपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भय मुक्त वातावरण में वोटिंग करके उन्होंने साजी सीट को पूर्ण बहुमत 540 वोटों से चुनकर ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत दिलाई, जिसको वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के गांव के विधायक जो लगातार तीसरी बार विधायक हैं, उनके चाचा कई बार से प्रधान रहे हैं, उस रसूख को वो अपना खोता हुआ इस पूरी विधानसभा से देख रहे हैं, उसमें उनकी बौखलाहट चल रही है। उस बौखलाहट का नतीजा ये हुआ कि जो हम लोग, मैं भी जिला पंचायत सदस्य उस वार्ड से लड़ा, वार्ड नंबर 27 से, उस गाँव में मेरे वार्ड नंबर 27 में वो उस्मान भी उस वार्ड से, उन्होंने एक प्रत्याशी अपना उतार रखा था जिला पंचायत में, वो 23 वोट से मुझसे हारा भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी का कैंडिडेट, और मुझे 681 मिले, उन्हें 666 वोट के समथिंग, उसमें जिला पंचायत में भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उससे बौखलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर अन्य धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, और एक तरीके से यहाँ पूरा प्रशासन मुझे लग रहा है कि बिना जांच किए उस मुकदमा पंजीकृत किया है। मैं आप सभी प्रशासन और सब अधिकारियों से, सभी नेतागणों से अनुरोध करता हूं कि उस मुकदमे की निष्पक्षता से जांच कराई जाए। मुझे उस समय तक जानकारी नहीं हुई थी जब ये लोग, सब इब्राहिमपुर के लोग, माननीय हमारे प्रधान श्री साजी सेठ जी भी मेरे साथ हैं, इन्होंने आके बताया, तो मैंने अधिकारियों से बात की है कि उस मुकदमे की निष्पक्ष जाँच होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, फायरिंग मेरे सामने, कोई जुलूस, कोई भीड़ मेरे सामने कोई एकत्र नहीं हुई थी। वो जो भी घटना दिखा रहे हैं वो इलेक्शन से पहले की घटना है, जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी उस पूरे पर। इसमें पुलिस द्वारा बादी SI प्रवीण कुमार हैं, सहसपुर चौकी इंचार्ज इसमें बादी हैं। अब उन पर किस तरीके से प्रेशर या क्या रहा होगा जो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है, इसकी जांच भी हम लोग अधिकारी द्वारा और जो हमारे माननीय लोग हैं उनके द्वारा हम जांच कराएंगे कि इसमें एकदम मुकदमा पंजीकृत करने का क्या कारण रहा। जी अभी संज्ञान नहीं था, अब आप लोग के माध्यम से और इब्राहिमपुर के लोगों के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से संज्ञान हुआ है, अब इसमें उच्च लेवल तक जानकारी करी जाएगी और बताया जाएगा।